एंट्री में जाकर मैं ऐड, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट ऐड कैसे होता है अमेज़न सेलर अकाउंट पे। बट ये ऑब्वियसली जब आप खुद से करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आई हैव टू बी विद यू, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। बट मैं ब्रीफली आपको बता दूं, हम ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे जी, ये एक ऑप्शन अमेज़न में दे रहा है, वो कहता है कि आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड, आपने ये ऑप्शन चूज कर लिया, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि आप उसकी कैटेगरी को ब्राउज करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं जी पॉट होल्डर, ठीक है, मैंने पॉट होल्डर दिया, उसके बाद ये नीचे मैचेस दे रहा है मुझे, ठीक है, ओवन मिट्स दे रहा है, ठीक है, और इस तरह के सारे दे रहा है, ये देखे ये पॉट होल्डर आ गया जी, ठीक है। मैंने इस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये अब इसने मुझे दे दिया जी, ये चार टैब्स आपके आ रहेंगे वाइटल इन्फो का। पहले मैं वाइटल इन्फो आपको बता दूं इसमें क्या क्या होता है। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी में आपका यूपीसी कोड, मैंने आपको बताया ना शुरू में यूपीसी हमें हर एसकेयू के लिए लेना पड़ेगा, तो यहां पे वो यूपीसी लिखेंगे आप, जो आपको नेशन वाइड बारकोड से आप खरीदते हैं और आपको ईमेल में आएगा। दूसरा प्रोडक्ट आईडी टाइप, आप यूपीसी यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट नेम, ये आपका प्रोडक्ट टाइटल होता है, जो भी प्रोडक्ट का टाइटल होगा वो यहां पे आएगा प्रोडक्ट नेम के आगे। प्रोडक्ट ब्रांड नेम अपना आप देंगे जो भी है, मैन्युफैक्चरर भी आपका ब्रांड नेम हो जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाए जी आप वेरिएशन के अंदर, वेरिएशन में डिफरेंट वेरिएशन हमारी होती है, जैसे अगर हम फर्स्ट करें हमारे प्रोडक्ट में कलर वेरिएशन है, अगर वेरिएशन नहीं है तो इसको छोड़ दें, अगर कलर वेरिएशन है तो आप इसमें लिखेंगे व्हाइट, ये और आगे इस पे लिखेंगे आप रेड, ठीक है, फिर आप लिखेंगे ब्लू। अब ये आपके तीन वेरिएशन आ गई, तो आपको तीन यूपीसी चाहिए, तो आप जैसे ऐड वेरिएशन करेंगे तो ये देखेंगे नीचे तीन वेरिएशन क्रिएट होगी, व्हाइट, रेड और ब्लू। अब इसमें वो कह रहा है अपना एसकेयू दे सेलर का, जो मैंने आपको बताया था स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, ये आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पॉट होल्डर है तो आप इसमें देंगे पॉट होल्डर को पीएच कर लेते हैं अंडरस्कोर व्हाइट, ठीक है, इस तरह हम पीएच कर लेते हैं अंडरस्कोर रेड, इस तरह हम पीएच कर लेते हैं अंडरस्कोर ब्लू, या इसको आपको नंबर भी दे सकते हैं। प्रोडक्ट आईडी, यूपीसी कोड जो आपको मिलेंगे वो देंगे, और ये आप यूपीसी सिलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट आईडी टाइप, ठीक है, या आप कंडीशन उसकी न्यू सिलेक्ट करेंगे, नया बेच रहे हैं आप, ठीक है, ये तीनों में न्यू सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, ये प्राइस आप दे देंगे कुछ भी 899, ये बाद में चेंज हो जाएगी बाय द वे, कोई मसला नहीं है इसका। एसकेयू आपका चेंज नहीं होता, ये ज़ेहन में रखिएगा, एसकेयू और यूपीसी ये एक ही बार आपने एंटर करना होगा, खासतौर पर एसकेयू। क्वांटिटी आप इसमें जीरो कर दें, क्योंकि आपका एफबी है तो वो खुद ही उठा लेगा जब आप शिफ्ट करें, ठीक है। और ये कलर मैप में आप दे सकते हैं, व्हाइट है तो इसमें व्हाइट आ जाएगा, ठीक है, और इस तरह रेड में रेड आ जाएगा कलर मैप, ये बेसिक बेस कलर जो होता है, और ये ब्लू में ब्लू आ जाएगा। कंडीशन नोट की कोई जरूरत नहीं है, सेल प्राइस की कोई जरूरत नहीं है, ये सेल अगर आपने लगाई है तो आप देंगे जिसे आप छोड़ें, सेल स्टार्ट डेट एंड डेट इसकी जरूरत नहीं है, ये आपकी वेरिएशन हो गई ऊपर। अब आ जाएंगे ऑफर में, ऑफर में वो ये पूछ रहा है कि आप खुद ऐप शिप करेंगे या अमेज़न करेगा, इसमें आप अमेज़न सेलेक्ट करेंगे, एंड दैट्स इट। इमेजेस है, इमेज इतना जाके ये इमेजेस, ये मेन इमेज है आपकी और ये बाकी इमेजेस है आपकी, यहाँ आप जाके इमेजेस सेलेक्ट कर देंगे और एंड में जाके सेव एंड फिनिश कर देंगे, क्योंकि मैंने भी यूपीसी के लिए आप लोगों के लिए बोला था मुझे ब्रांड नहीं लेने पड़ते और ये एक लेजिटिमेट अकाउंट है तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बट मेरा मकसद था आपको ब्रीफली समझाने के लिस्टिंग, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स रियली इजी, बट फर्स्ट टाइम आपको अगर हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम ऑलवेज देते हैं, ठीक है जी। तो दिस